आंखों का पानी दिल की कहानी कहता है, कोई फसाना दिल में पुराना रहता है, कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पा शन्नो वीडियो कॉल क्यों कर रही है? हेलो, ये ले जी, बात करें। मामा, 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 मामा आप? हसीना, ये ले, तू भी खा मिठाई। औकात भूल गई जो मेरा नाम ले रही है तू? औकात तो तुझे छोटी बेगम साहिबा याद दिलाएंगी। तिनके की तरह हवा में उड़ा दूंगी तेरी छोटी बेगम साहिबा को। इस गलत फहमी में मत रहना, इस बार वो तुझे तबाह करेंगी। साहब जी, आपको हो क्या गया है? आप कैसे भूल सकते? ये वही मासूम है जिसने फराज के साथ मिलकर आपको धोखा दिया था। साहब जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप सब कुछ कैसे भूल सकते हैं? ये छुप छुप कर मिलती थी फराज से और आज आप उसको देखकर सब कुछ भूल गए? आपने तो उससे ये भी नहीं पूछा है कि वो इतने दिन इतनी रातें रही कहां पे? और मुझे तो लगता है फराज के साथ मिलकर इन्होंने मौत का ड्रामा रचाया है ताकि खुलकर फराज के साथ आजादी के दिन गुजार सके। साहब जी, आपको तो गुजरे हुए एक एक दिन का हिसाब लेना चाहिए मासूमा बेबी से। लूंगा हिसाब, एक एक पल का हिसाब लूंगा, लेकिन अभी नहीं, पता नहीं। अभी मुझे कुछ और जरूरी काम है। लेकिन साहब जी, मरी जाती तो अच्छा था, लेकिन चलो खैर है, तीर तो मैंने लगा दी है। अल्लाह साईं, अब ये तीर निशाने पे भी लग जाए, देखो जरा हो क्या रहा है। आप यहाँ पर क्यों आए? आपको लेने आया हूँ बेटा। लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना। क्यों? क्यों नहीं जाना? वो घर है आपका। वो मेड का घर है, वो मेरा घर नहीं है। दादू आपको बहुत मिस कर रहे, पूछ रही थी कि बिलाल कब आएगा। दादू ठीक हो गई? हाँ, अब तो आप चलेंगे ना? हाँ चलूंगा, तो फिर दादू से मिलकर वापस आ जाऊंगा। अच्छा, आप अपना सामान तो ले आओ। सामान क्यों? मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे मेड के साथ नहीं रहना। अच्छा, आप आए, आप आए, हम चलते हैं, सामान बाद में मंगवा लेंगे। आओ।
मेरा बेटा, कैसा है मेरा बेटा? मम्मा आप आ गए लमिया के पास से? हाँ मैं आपके पास आ गई हूँ। आपको पता है बाबा ने मेट से शादी कर ली है। पता? आपको मेरी याद नहीं आई? याद तो हर सांस के साथ मुझे आती थी, पर आपके मम्मा मजबूर थी। मम्मा आप कहाँ थी? फराज के पास थी। आपने तो उससे ये भी नहीं पूछा है कि वो इतने दिन इतनी रातें रही कहाँ पे? मुझे तो लगता है फराज के साथ मिलकर इन्होंने मौत का ड्रामा रचाया है ताकि खुलकर फराज के साथ आजादी के दिन गुजार सके। ये क्यों आया? फिलहाल आप दादू के पास जाओ। नहीं मम्मा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब वापस चली जाएंगे लमिया के पास। मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैंने बुलाया फराज। किस हैसियत से? एक दोस्त की हैसियत से, गमखार की हैसियत से, हमदर्द के तौर पर। जरा से अरसे में बहुत से रिश्ते जुड़ गए हैं फराज के साथ, लेकिन वो रिश्ता नहीं जिसका बीज हसीना ने आपके दिल में बोया था। सच तो यह है कि अगर फराज ना होता तो मैं आज आपके सामने जिंदा ना खड़ी होती। जो गाड़ी जली थी उसमें से मुझे बचाने वाला फराज ही था। और आप तो मुझे पहले ही छोड़ चुके हैं। वो तो एक जिंदा लाश थी, मुझे जिंदगी की तरफ लाने वाला फराज था। तुम मेरे सामने खड़े होके इसके कसीदे? हाँ पढ़ रही हूँ कसीदे, क्योंकि मेरे दिल में ना कोई चोर है ना डर। और आप तो मुझे पहले ही छोड़ चुके हैं। अहमद साहब, बहुत कुछ है हमारे पास आपको दिखाने के लिए भी और आपको बताने के लिए, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पे तमाशा मत लगाएं, अंदर आएं, आराम से बात करें। है? पापा मुझे लाए और मामा भी वापस आ चुके हैं। मेड औकात भूल गया? अपनी जबान संभाल के बात कर। मेड नहीं हूं, तेरे बाप की बीवी हूं। मुझ पर शक था आपको, मुझसे बदगुमान होके मुझे घर से निकाल दिया। हसीना से निकाह करके कौन सी वफा निभाई आपने? किसके साथ आए? पापा मुझे लाए और मामा भी वापस आ चुके हैं। मेड औकात भूल गया? अपनी जबान संभाल के बात कर। मेड नहीं हूं, तेरे बाप की बीवी हूं। जबान संभाल के बात कर वरना अभी साहब जी को बुला के तेरी। क्या बाबा क्या करेंगे? मामा ना मुझे अब बोर्डिंग वापस जाने नहीं देंगी। भूल गया? कैसे तेरे बाप ने तेरी माँ को धक्के दे के निकाला था इस घर से? तेरे साथ भी वही हो,
अहमद इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? अहमद हाथ मत लगाना हमें। अहमद मेरी बात सुनो। अहमद क्या हो गया? अब आपका और मेरे बेटे का कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी गार्डियन मेरी मामा है, मेरे मरते दम तक। करीब बताइएगा। अहमद हमारे पीछे बताइएगा आप। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? क्यों हो गई ना सिट्टी गुम? इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी तेरे बाबा के साथ, समझा? बाबा ना ऐसा नहीं करेंगे और बाबा मम्मा को नहीं निकालेंगे। पुराने खाए खिलने की देर है, फिर से बाजी उलट जाएगी। मुझ पर शक था आपको, मुझसे बदगुमान होके मुझे घर से निकाल दिया। हसीना से निकाह करके कौन सी वफा निभाई आपने? हसीना का आपसे निकाह करना प्री प्लान था। हसीना, उसका भाई सरपंच और उसकी मां इस प्लान में सब शामिल थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंजाम तक पहुंचाना है। समझो तुम्हारी बेगम साहिबा की आज आखिरी रात है, कल जुम्मे की नमाज के बाद नमाज़े जनाजा। कुछ और भी है तुम्हें बताने की? इनफैक्ट दिखाने के लिए आता हूं। रुक जाओ। इसे किधर लेके जा रही है भाई? इसे मैंने पकड़वाया। हो क्यों? तू इस घर का साबजी लगा हुआ है? एक तो सारे बिछड़े इधर ही मिलेंगे क्या, और तू तू कौन होता है पकड़वाने वाला? किधर है साबजी? अभी साबजी को बताती हूँ, तुझे जान से मारेंगे ना फिर तुझे पता चलेगा। अभी बताती हूँ साबजी को। हाँ जा जाके बता अपने साहब को, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। पंचायत लगाई हुई है, इस घर की असल मालकिन। तेरा किस्सा तो तमाम हुआ सीना, या फिर ये कह ले कि अहमर और मासूमा की जिंदगी से हसीना नाम का कैरेक्टर खत्म। वैसे क्या बनेगा तेरा? मासूमा के पास तो मैं था एक दोस्त के रूप में, लेकिन तेरे पास तो कोई भी नहीं है। अब क्या करेगी तू? हाँ चलने से लेके देखना, एक दिन सब खाक में मिल जाएगा। सेकंड में तू ना अर्श से फर्श पर आ जाएगी, देख लेना। तुम अच्छे से जानती हो कि अगर मुझ पे तशद्दुद हुआ या मुझे सजा मिली ना तो बचोगी तुम भी नहीं। तो इस भूल में तो मत ही रहना कि मैं अकेले जुर्म कबूल करूंगी। क्या सबूत है तेरे पास? हाँ सबूत है मेरे पास, फोन में है, और वो फोन मैंने छुपा के रख दिया है। दादो उम्मीद कर रही थी
बाबा मामा को फिर से निकाल देंगे। नहीं, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल। सच दादो, आप बहुत अच्छी हैं। इस नर्स को पुराने रिकॉर्ड की वजह से पुलिस ने नहीं पकड़ा था, बल्कि मैंने पकड़वाया था। अगर ऐसा ना करती तो हसीना अपने इरादों में कामयाब हो जाती। कैसे इरादों? हसीना का सबसे क्या ताल्लुक? इस सब के पीछे हसीना का ही हाथ है। बताओ इन्हें सब सच सच। चीफ साहब जी, ये सब सही कह रही हैं। मुझे सीना ने पैसों का लालच दिया था आपकी आपकी मामा की जान लेने के लिए। तो शुक्र है कि इस घर में शन्नो मेरी आंखें बनी हुई थी। जैसे ही मुझे उसके नापाक इरादों को पता चला, मैं और फराज हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर को प्रेशराइज करके उसे पकड़वाने में कामयाब हो गए। खुदा ना खास्ता एक लम्हे की भी देर हो जाती तो? तुम्हें हसीना ने लालच दिया होगा ना रिहाई का, इसीलिए मुंह बंद रखा तुमने अपना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम लोग तो मसीहा होते हो, अपने पेशे के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की चंद पैसों के लिए। लोग कैसे यकीन करेंगे कि तुम लोग मसीहा होते हो? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप लोग मुझे माफ कर दें। माफी तो नहीं मिलने वाली तुम्हें, ले जाइए इसे। ये आप गलत कर रहे हैं, आपने तो मुझसे रिहाई का वादा किया था। तुम जैसी जराइम पेशा नर्सों को रिहा करके मैं दूसरे मरीजों की जिंदगियां खतरों में नहीं डाल सकता, ले जाइए इसे। माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई क्या होगा सीना? अंदर तेरा सारा कच्चा चिट्टा सुनाया होगा छोटी बेगम से। अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ सुनाया होगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू भी मुराद की तरह सारी उम्र जेल में काटेगा। नहीं नहीं नहीं, हसीना हूं मैं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैंने नहीं जाना जेल, मैं नहीं जाऊंगी जेल। अच्छा, क्या क्या कर लेगी तू? बाहर पुलिस खड़ी तुझे साथ ले जाने के लिए, और यहां मैं तुझ पर नजर रखने के लिए। तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब क्या करना है इसका फैसला हसीना खुद करेगी। मेरी जिंदगी है ये, मेरी मर्जी चलेगी, और फैसले भी सारे हसीना की मर्जी से होंगे। शन्नो, आज तक मैंने अपने फैसलों से अपनी जिंदगी गुजारी, और आगे भी मैं यही करूंगी, समझी तू? पागल तो नहीं हो गई? क्या करेगी? कुछ नहीं रहा अब तेरे बस में, कुछ नहीं। अब तू कुछ नहीं कर सकती।
अहमद मैं सिर्फ मासूमा का दोस्त, लेकिन प्यार प्यार ही सिर्फ तुमसे करता है। बल्कि प्यार कहे तो इश्क करती है तुमसे। आ गए आप साहब जी। अहमद इसे रोके, इससे पहले कोई बेवकूफी ना कर जाए। सीना कोई बेवकूफी मत करना तुम। अहमद मासूमा ने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की, इसके प्यार पे सिर्फ तुम्हारा हक है। और उसके दिल में सिर्फ तुम। अहमद मैं सिर्फ मासूमा का दोस्त, लेकिन प्यार प्यार ही सिर्फ तुमसे करता। बल्कि प्यार कहे तो इश्क करती है तुमसे। अरसा हुआ इसे तुम्हारे इश्क में खाक हुए, और खाक कभी भला किसी और की हुई है क्या? जहां तक रही बात हमारी दोस्ती की, तो अमर हर कहानी के दो रुख होते हैं। जो रुख तुम्हें दिखाया गया वो शक और बदगुमानी से भरा हुआ था। हसीना ने तुम्हारे दिल में मासूमा के खिलाफ इतनी बदगुमानी भर दी थी कि तुम्हें इसके आंसू नजर ही नहीं, ना ही इसकी बेचैनी दिखी। अहमर जहां पे मैं इसके साथ इसे तसल्ली देने के लिए खड़ा था ना, वहां तुम्हें होना चाहिए था। एक दोस्त की हैसियत से, मगर अफसोस साथ तो तब होते जब इन्हें मेरे प्यार पर यकीन होता। मासूमा भाई रुक जाए। अहमर मुझ पर शक कर, मुझे मेरी नजरों में नहीं गिराया बल्कि मेरे बांध को भी तोड़ा है। मुझे भरोसा था कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन आप कभी मेरे खिलाफ नहीं हो सकते। आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ खड़े होंगे हमेशा, पर आपने उस भरोसे को ही तोड़ दिया। मेरे साथ खड़े होने के बजाय मेरे सामने खड़े हो गए, मेरे मुखालिफ बन गए। ये थी आपकी मोहब्बत? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था आपको। क्या हमने कभी ऐसा सोचा था? साहब जी, वो हसीना छत पे। बीबी कूदने की कोशिश मत करो, गिरफ्तारी दे दो। आगे नहीं बढ़ना, मैं बता रही हूँ तुझे, आगे नहीं बढ़ना, इधर ही खड़े रहे। हसीना
कहाँ गए आप साहब जी? ऐ मेरे सुनो के, इससे पहले कोई बेवकूफी ना कर जाए। सीना कोई बेवकूफी मत करना। भर लो साहब जी के कान और, लेकिन होगा तो वही जो हसीना चाहे। और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, समझे आप लोगों को क्या लगता है? हसीना आप लोगों के हाथ आ जाएगी और सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। सोचिएगा भी मत, हसीना अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से इस घर से जाएगी। बेगम साहबा, वो हसीना ने क्या? हसीना ने छत पे से छलांग लगा ली नीचे। बच गई क्या? नहीं, चल के देखते हैं। कितना अरसा हुआ आपको कैद हुए? एक माह 10 दिन। सजा कितनी मिली? बस कर दो बेटा, थक गए हो क्या? थक तो मैं तब गया था, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। क्या हुआ, आसुमा ने माफ नहीं किया? काश हर किसी का दिल मेरी मामा जितना पड़ा। बावफा बीमिया, अपने शोहरों को देवताओं की तरह समझती हूं, इसलिए उनकी सारी गलतियों को अपने दिल में दफन करके फिर से उन्हें पूछना शुरू कर देती हूं। हम जानते हैं उन्होंने आपको माफ कर दिया, बस नाराज हैं आपसे। उसकी नाराजगी कब खत्म होगी मां? और कैसे? प्यार से। चाहिए
जाकर मना लीजिए उन्हें। वाली जिन भूत नहीं होते। अच्छा मम्मा, फिर परियों की सुना दे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक शहजादा और एक शहजादी की कहानी सुनाती हूँ। एक शहजादा होता है और उसकी प्यारी सी शहजादी होती है। शहजादा शहजादी से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन उन दोनों के बीच में एक चुड़ैल आ जाती। वो चुड़ैल शहजादे को शहजादी से अलग करना चाहती थी, लेकिन शहजादी चुड़ैल का खात्मा कर देती है। और इस तरह उस चुड़ैल का बहुत बुरा अंजाम। बिल्कुल मीठ की तरह। जी बिल्कुल मीठ की तरह। कुछ ना सा।